स्टार्ट कीजिए गाड़ी। सर क्या कहिएगा आप? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि भोजपुर जिले के पीरू अनुमंडल के तरारी प्रखंड के अंग वस्त्र देकर लोकप्रियता के शिखर बिंदु यशस्वी पुलिस अधीक्षक नौजवान। और अभी हम मौजूद हैं जो कि बसौरी गांव में, और देख सकते हैं जो कि लोहिया स्वच्छता अभियान के जो कि गति देने के काम कर रहे हैं जो कि एसपी सर हैं और डीएम सर हैं, जानने का हम कोशिश करेंगे किस तरह से सर लोहिया स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, आज बसौरी पंचायत में डीएम सर और मैं आया हूँ, और न सिर्फ ये हमारे जो दूरस्थ पंचायत है और काफ़ी दूर पड़ता है जिला मुख्यालय से, यहाँ पर आने से लोगों की समस्याओं को भी जानने का मौका मिलता है, चाहे वो जो है विकास से संबंधित चीज़ें हों चाहे सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हों। तो उन्हीं के समग्र दृष्टिकोण से जो है पंचायत के द्वारा आज बुलाया गया था हम लोगों को, और इस तरीके से डीएम सर के द्वारा साथ में हम लोग आए हैं यहाँ पे, और जो अनुमंडल के भी पदाधिकारी हैं यहाँ जनप्रतिनिधिगणों से भी बातचीत हुई, और जो ये का योजना चालू की जा रही है जो स्कीम है साफ सफाई से संबंधित, तो निश्चित ही ये जो है न सिर्फ इस पंचायत के बल्कि अन्य पंचायतों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। निश्चित ही यह एक भविष्यगामी और दूरगामी सोच वाला कार्यक्रम है, और हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत बड़ी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, और इसी के मद्देनज़र जो आज ये प्रोग्राम चालू किया गया है यहाँ पे, तो निश्चित ही जो है कि इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए और अन्य जो भी पंचायतें हैं भोजपुर की, सबके लिए एक प्रेरणा का काम करेगा, क्योंकि यहाँ की जिस तरीके से सभी लोग जो है कदम से कदम मिला के आगे बढ़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो पूरे संकल्प है, तो सभी के लिए जो है एक प्रेरणा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि गाँव में, पहले तो शहर में इस लोहिया स्वच्छता अभियान को चलाया जाता था, लेकिन गाँव में चलाया जा रहा है, क्या नहीं देखिए, सभी राज्य सरकार की स्कीम है, गांव हमारा स्वच्छ होगा तब स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा तो स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ है वो कम होगा। उसके लिए बिहार सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत गांव-गांव में लोग कचरा न फैले, उसके लिए प्रयास किया। सर, जो डिब्बा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं तक लोगों का ऐसा मानसिकता रहता है ग्रामीण लोगों का कि उसमें चावल रख दें, आटा रख दें, तो कहीं ना कहीं तक इसको कैसे दूर किया जा सकता है? नीला और सूखा कचरा के लिए अलग अलग कलर दिया जा रहा है, हमारे पर्यवेक्षक हैं वो घर घर जाके इस बात को देखेंगे, और हमारे स्वच्छाग्राही भी हैं जो घर घर जाके कलेक्ट करेंगे, फिर उसको WPO मिला के सेग्रीगेट किया जाएगा ताकि कचरे का उचित निस्तारण हो सके। आने वाले समय में सर रामनवमी है, इसका किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? रामनवमी की पूरी तैयारी है, हम लोग जिला लेवल से लेकर गांव स्तर तक जितने भी हमारे जुलूस हैं उन सब की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में किया जाता है, कोई भी अगर सोचेगा भी गड़बड़ी करने का तो फिर कठोरतम कार्रवाई करने के जिला प्रशासन कृत संकल्प। ठीक है सर, धन्यवाद सर, और जो कि हमारे साथ जो कि मौजूद थे एसपी सर और डीएम सर, और काफ़ी बेहतरीन ढंग से जानने की कोशिश किए, और जो कि खास बात है कि तरारी ब्लॉक के बसौरी पंचायत में जो कि लोहिया स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, और इसमें भाग लेने के लिए एसपी सर और डीएम सर आए थे और काफ़ी बेहतरीन ढंग से जानने की कोशिश किए। और कहीं ना कहीं तक पहले जो है लोहिया स्वच्छता अभियान पहले शहरों में चलाया जाता था, लेकिन आज के समय में जो कि ग्रामीण इलाकों में और काफ़ी सुदूर इलाका है जो कि यहाँ पर काफ़ी इसको बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, और काफ़ी बेहतरीन ढंग से और काफ़ी अच्छा भी लगा यहाँ पर, ताकि जो है स्वच्छता जो है सभी लोग मानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ होता है, और काफ़ी अच्छा भी लगा यहाँ पर देखकर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज और मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू। जय 226 पंचायत है हमारे जिले में, लेकिन इस पंचायत में पहली शुरुआत करने के पीछे रीजन यही था, इस पंचायत से मेरा एक विशेष लगाव है। आपके इसी पंचायत में लबना गांव है, जिस बारे में स्वागतकर्ता महोदय ने कहा, लबना गांव में हमारे एक मित्र रहते हैं, उनका नाम पवन है, आप सब जानते होइएगा, वो पोस्टल डायरेक्टर हैं अभी पटना में, तो उनसे मेरी लगातार बात होती है। और आप सबको नहीं पता होगा, लबना गांव तक रोड ले जाने के लिए हमने अपने PO मनरेगा को आज से 6 महीने पहले टास्क दिया हुआ है। अभी मैं आ रहा था तो आपका ये रोड भी जर्जर स्थिति में है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। अब मैं उन मुद्दों को छोड़ रहा हूँ, मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूँ जिसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। ये जो सफाई का अभियान है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ये फेज 2 में हम लोग जा रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि इतनी गर्मी में आपका कमिटमेंट ये साबित करता है कि ये गाँव के लोग सफाई के प्रति कितने जागरूक हैं और कितना सफाई पसंद है और किस तरह सफाई को आगे ले जाएंगे। आपसे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, उसमें कोई शक नहीं है, मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है, कोई चीज प्रारंभ कर देना बहुत आसान होता है, उसे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल काम होता है।
ऊंचाई पे पहुंच जाना आसान होता है, ऊंचाई पे बरकरार रहना बहुत कठिन काम होता है। तो आप सब से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि आज जो शुरुआत की जा रही है उसे अपनी डेली आदत में डालें। सफाई होने से रोग पे जो खर्च होता है वो कम होता है। जितनी बीमारियां होती हैं उसमें 90% से अधिक सफाई के कारण से होती है, सफाई ना रहने के कारण। और वो पैसा बचेगा तो परिवार के विकास में लगेगा। तो पहले तो हमारा आसपास का वातावरण सही हो, साफ सुथरा रहे, ताकि हमारे बच्चों का कोई बीमारी ना हो, औरतों को कोई बीमारी ना हो, और उसी के लिए अभियान चालू किया गया है। अमूमन गांव में पहले ऐसी परंपरा थी, आज़ादी के पहले गांव के लोग सफाई कमेटी बनाते थे और सफाई करते थे अपने गाँव की। अब वो धीरे धीरे समस्याएं बड़ा गाँव में भी शहर वाली जो गंदगी थी वो आने लगी है। लोग एक दूसरे से जो बात करने का एक गाँव के प्रति जो प्रेम होता है उसमें कमी आई है। लोग हर आदमी अपने को बड़ा समझने लगा है और वो कहते हैं कि मैं क्यों करूँ, क्योंकि पहले गांव में यदि कोई व्यक्ति आ जाता था बाहर से तो उसे सभी लोग मिलकर गाँव के अतिथि के रूप में देखते थे। अभी स्थिति ये है कि गाँव में कोई व्यक्ति जाता है तो पहले शिकायत सुनकर उनको लगता है कोई जांच करने आया है, या तो वर्तमान का शिकायत करेगा या तो पूर्व करेगा, इस तरह का टेंडेंसी बन